शंखम चक्रम जलौकाम दधतमृतम घटम चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम शुकपरिविलसनम मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलांगम कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम वंदे धन्वंतरिं तव निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज मैं वैद्य प्रियरंजन तिवारी आज इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज का देखिए टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और विशेष टॉपिक है। जैसे कि 2 दिन टॉपिक रहा हमारा, एक तो रहा फल त्रिकादि क्वाथ, जो कि लीवर में जो यूज करते हैं लीवर के डिसऑर्डर्स में और स्प्लिन के डिसऑर्डर्स में, और दूसरे दिन का जो टॉपिक जो था वो था पुनर्नवास्तक क्वाथ, जिसको कि हम लीवर किडनी और ज्वाइंट डिजीज और डायबिटीज के बीमारियों में यूज करते हैं। उसी तरह से आज जो तीसरा जो आज टॉपिक है, जिसके लिए आज काफी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लोग, इस समय लगभग 70 के करीब अभी पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ चुके हैं हमारी इस जो आयुष दर्पण का जो ऐप है, उस ऐप के जरिए और भी लोग देखिए इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जरा लोग जुड़ जाते हैं फिर हम आज का टॉपिक प्रारंभ करेंगे। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा हेडिंग इसकी बता देता हूँ। आज का टॉपिक है क्या, आज का टॉपिक है श्रीशादी क्वाथ। ठीक है, ये क्या है श्रीशादी क्वाथ, क्या है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग जरा सा और लोग को जरा जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये दवाई है क्या, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। काफी लोग देखिए, हाँ कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर ये श्रीशादी क्वाथ जो है ये नई दवा पता चल रही चली है आज हमें, इसका प्रयोग के बारे में आप बताएं। जी जी जरूर जरूर जरूर, संध्या जी हैं, संध्या जी इसका जरूर आपको पर मिलेगा आज सारी डिटेल, आज इसके बारे में बताई जाएगी आपको कि श्रीशादी क्वाथ जो है इसका क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए लगभग 120 के करीब लोग अभी जुड़ चुके हैं इसमें हमारे साथ। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है श्रीशादी क्वाथ। तो श्रीशादी क्वाथ है कि देखिए श्रीशादी क्वाथ में 4 प्रमुख रूप से दवाइयां मिली हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुआ था, काफी ज्यादा ट्रायल हुआ था इस दवाई के ऊपर। ठीक है, तब से ये दवा काफी प्रचलित हो रही है, काफी अच्छी दवा है, बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दवा है श्रीशादी क्वाथ, इसको क्या है कि इसमें 4 कंटेंट होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट हैं इसके। पहली दवा है इसमें जो पाई जाती है वो है शीरीष, दूसरी दवा है मुलेठी, तीसरी दवा इसके अंदर है छोटी कटेरी,
छोटी कंठकारी भी जिसको बोलते हैं, या कंठकारी भी बोला जाता है। और चौथी दवा इसके अंदर है वासा। तो इसके अंदर ये चार दवाइयां इसके अंदर ये मिली हुई हैं। अब इन दवाइयों का क्या प्रयोग होता है, किस तरह से ये प्रयोग की जाती हैं, ये जो चारों दवाइयां होती हैं शीर्षादि वात में, ये बराबर मात्रा में मिली हुई होती हैं। इनकी मात्रा बराबर होती है और इनको लगभग मिक्स करके अच्छे से इसका मिक्सचर बना रहता है। इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, देखिए इतनी बड़ी साइज के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जाता, पाउडर फॉर्म इसका नहीं बनाया जाता, इसको यवकुट बोला जाता है। जौ की साइज के बराबर, जौ की साइज लगभग इतनी होती है, तो जौ के दाने के बराबर जो साइज होती है ये साइज इसकी रखते हैं। कारण क्या है कि इसका हमें काढ़ा बनाना है और क्वाथ बना करके छान करके रोगी को पिलाना है, ठीक है। तो इसको इतनी मात्रा में इसको प्रयोग करते हैं। इसका जो ये मिक्सचर तैयार किया, ये लगभग 1 चम्मच, पूरी मात्रा का 1 चम्मच, लगभग 5 ग्राम ये मात्रा हो जाएगी। 5 ग्राम मात्रा को 4 कप पानी में उबालना होता है। उसके बाद जब 1/4 रह जाए, लगभग 1 कप जो दवा रह जाती है, तब इसको छान लेना है और रोगी को हल्का गर्म ही इसको पिलाना है। सुबह और शाम दोनों टाइम इस दवा को हम चलाएंगे। 2 बार इसकी डोज होती है। जैसे कि लीवर वाला जो फल त्रिकादि क्वाथ है, वो 24 घंटे में 1 या 2 बार मैक्सिमम, पुनर्वास्तक क्वाथ भी 1 बार भी चला सकते हैं या 2 बार भी चला सकते हैं रोगी के अनुसार, लेकिन शीर्षादि क्वाथ को आपको 2 बार आपको देना अत्यंत आवश्यक है। सुबह भी देना जरूरी है और शाम को भी देना जरूरी है। 1 बार ये दवा लेने से काम नहीं चलेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं बता रहा हूं इस दवा में जो इंग्रेडिएंट जो मिले हुए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का कार्य क्या है और किन किन बीमारियों में हम इसको प्रयोग करते हैं। देखिए जो सीरीस है, इसके अंदर जो दवा मिली हुई जो सीरीस है, सीरीस एक्चुअली में जो सीरीस की जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी। जो भी एलर्जी होती है उस एलर्जी के अगेंस्ट ये काम करती है, जैसे धूल से, धुएं से, पॉलन से, किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो या कोल्ड की भी एलर्जी हो, कोल्ड से भी अगर एलर्जी है तो उस पे भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है सीरीज। किसी भी तरह की एलर्जी हो जिसके कारण हमारे ब्लड में इसिनोफिल काउंट ये बढ़ जाता है, ये उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा ये कार्य करती है सीरीज, ठीक है। किसी भी तरह से अगर इसिनोफिल काउंट वगैरह बढ़ता है तो ये उसको काफी हद तक कंट्रोल में रखती है। तो सीरीज का रोल हो गया एंटी एलर्जिक का। दूसरी दवा है मुलेठी। मुलेठी क्या है, देखिए पित्त शामक है, पित्त का शमन करती है, मधुर होती है, ठीक है, लेकिन कफ को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती, कफ को बल्कि उत्क्लेशित करती है। मतलब मुलेठी क्या है, कफ को उत्क्लेशित करती है, पित्त का शमन करती है, ठीक है, और वात का भी शमन करती है मधुर रस होने के कारण। तो त्रिदोष शामक इसकी प्रॉपर्टी है मुलेठी की। और मुलेठी के अंदर भी जो प्रॉपर्टी होती है ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। कई तरह के रिसर्च हुए हैं जिसमें पाया गया है कि कुछ जैसे स्टेरॉयड वगैरह होते हैं उसकी तरह इसका एक्शन होता है। जितने भी स्टेरॉयड वगैरह होते हैं जो कि एंटी एलर्जिक काम करते हैं, तो उस तरह की कुछ फाइटो स्टेरॉयड्स भी इसमें पाए जाते हैं, ऐसा रिसर्च हुआ है। इसके बाद जो अगली जो दवा है वो है आपका छोटी कटेरी। छोटी कटेरी, तो छोटी कटेरी जो दवा है जिसको कि कटकारी भी बोलते हैं, इसका क्या रोल है। कटकारी जो है ये किसी भी तरह की जो भी म्यूकस जो जमा रहता है, बलगम जिसको कफ भी बोलते हैं, या मल रूपी जो कफ है, इसको पिघलाने में, उसको बाहर निकालने में कार्य करती है। जो भी मल रूपी कफ होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है छोटी कटेरी। ये जो खांसी होती है, जो सामान्य खांसी है, उसमें बहुत अच्छा लाभदायक है। जुकाम अगर होता है किसी को तो उसमें बहुत लाभदायक होती है, ठीक है। एस्थमा की कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा लाभदायक होती है,
ये जो दवा है ये बेसिकली खांसी सांस की समस्या में या जुकाम में, ठीक है, कोल्ड की स्थिति हो, प्रतिशाय, पीनस, ठीक है, कास, कास चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो, किसी भी तरह का कास हो, या स्पुटम के साथ अगर खांसी आ रही है, कफ विद स्पुटम हो, तो भी दोनों में ये कार्य करती है। और ब्रोंकियल एस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, इन सब में भी ये बड़ा अच्छा कार्य इसका है, छोटी कटहरी का। इसके अलावा ये लघु पंचमूल की भी दवा होती है। तो वात शामक भी प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, वात का शमन भी करती है ये छोटी कटहरी। और जो चौथी जो दवा है जिसको हम बोलते हैं वासा, वासा के अंदर जो एक्शन है ये कई तरह का एक्शन है। वासा जो इसमें पाई जाती है ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दवा है, ब्लीड तरस प्रधान है, ये ज्वर नाशक है वासा। इसके अलावा रक्त पित्त नाशक भी है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को भी ये कम करती है। तीसरा ये दवा यकृत उत्तेजक भी है, यकृत पे भी कार्य करती है तितरस होने के कारण। चौथा ये जो दवा है ये म्यूकोलाइटिक एक्शन है, कहीं भी स्पुटम वगैरह या कफ अगर ज्यादा मात्रा में अगर जमा हुआ होता है तो उसको ये पिघलाने का कार्य करती है, और इसको बाहर भी निकालने का, कफ को पिघलाने का, कफ निसारक दोनों कार्य इसका है वास्ता का। थोड़ा सा ये बताते हैं ऐसा रिसर्च में कि इसका थोड़ा सा ब्रांको डायलेटर भी एक्शन होता है, तो ब्रांको डायलेटर इस संदर्भ में हो सकता है। ये थोड़ा सा कफ को चूंकि पिघलाती है, कफ वहां से हटता है, तो ब्रोंकाइट क्या है थोड़ी रिलैक्स होती है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में सब में ये बड़ा अच्छा कार्य करती है। तो जिस प्रकार से इन चारों दवाइयों का गुण कर्म मैंने आप सभी लोगों को बताया, तो इस प्रकार से ये चारों गुण कर्म को देखते हुए ये दवा कहाँ कहाँ कार्य करती है उस पर मैं आज रोशनी डालूंगा आप सभी लोगों पे, कि किन किन बीमारियों में इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए अभी हमारे साथ लगभग 230 लोग लगभग जुड़ चुके हैं जूम की मीटिंग में, जो कि आयुष दर्पण ऐप के जरिए जो कि आए हुए हैं, काफी लोगों ने वहां से लोग जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कृपया करके आज के इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जितने भी आपके फेसबुक का आपका पेज है वहां आप शेयर कीजिए, जितने भी आपकी ये पेज हो यूट्यूब का है वहां आप शेयर कर सकते हैं, हर जगह आप इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को, ज्ञान को, शीर्षादि क्वाथ के बारे में जो आज बताया जा रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी आप लोग पहुंचाइए। क्योंकि जैसे कि देखिए विंटर का सीजन ये चल ही रहा है, विंटर के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्या क्या बीमारियां होती हैं जिसमें ये कार्य करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये एलर्जिक राइनाइटिस में बड़ा अच्छा कार्य करेगा। जिस भी किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण जुकाम होता है उसकी ये सबसे बेस्ट दवा है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी को ये दूर करेगा। पहले तो एलर्जी को दूर करने वाली दो दवाइयां हैं सीरीस और मुलेठी, और बाकी जो कंटकारी और वासा है ये क्या करेंगी, जो एलर्जी बन चुकी है उसको ये बाहर निकालेंगी, मतलब तो दो दवा ऐसी हैं जो एलर्जी होने नहीं देंगी, और बाकी जो दो दवा है वो जो एलर्जी बन चुकी है उसको बाहर निकालेंगी, इस तरह से इसका एक्शन। इसके अलावा साइनोसाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है इसका। ये भी क्या करेगा कि जो भी साइनसिस में जो भी कफ वगैरह म्यूकस वगैरह जमा हुआ है इसको ये पिघलाने का कार्य करेगा, बाकी आपको नस्यकर्म वगैरह तो करना पड़ेगा जिसके द्वारा आप बाहर निकाल सकें उस कफ को, लेकिन ये बनने नहीं देगा। बार बार कहीं भी एलर्जी बन रही है किसी भी कारण से श्वसन संस्थान में, तो वहां ये बड़ा अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एलर्जी के कारण कफिंग हो रही हो, खांसी हो रही हो, तो इसमें बड़ा अच्छा रोल है, खासतौर से जो सूखी खांसी कभी कभी हो जाती है, कोल्ड की एलर्जी, कोल्ड से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है उसके कारण खांसी हो रही है, तो इसमें बड़ा अच्छा कार्य करेगी। चौथा जो बीमारी है श्वसन संस्थान का उसको बोलते हैं ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा में क्या है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है,
ड्यू टू एलर्जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर एलर्जी के कारण ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है दमा के केस में। तो दमा के केस में ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है, काढ़ा है। इसके अलावा अन्य भी दवाइयां आती हैं, लेकिन ये दवा बहुत अच्छी है जो कि ब्रोंकाई में से जो भी एलर्जी है, तो एलर्जी को दूर करती है, जो भी म्यूकस जमा हुआ उस म्यूकस को बाहर निकाल देती है। क्योंकि तो दो दवाइयां इसमें एंटी एलर्जी के एक्शन का है और दो दवाइयां म्यूकस को बाहर निकालने का है। सीरीज और मुलेठी का एंटी एलर्जी के एक्शन है, मुलेठी का थोड़ा सा कफ को निकालने का भी है, लेकिन कंटकारी और आपका जो वासा है इसका क्या एक्शन है, ये कफ को पिघला के बाहर निकालती है। तो ब्रोंकियल एस्थमा में तो ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नाक से लेके साइनसेस से लेके ब्रोंकाई से लेके ब्रोंकियल एस्थमा सब में ये बहुत अच्छा कार्य करती है, स्पेशली इन एलर्जिक केसेस। इवन ये फीवर में भी बड़ा अच्छा कार्य करती है, अगर फीवर के भी केस में अगर आप देंगे ना, ज्वर नाशक भी बड़ा अच्छा है इसी अंदर प्रॉपर्टी। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहा हो, वायरल इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, तो उसमें भी बड़ा अच्छा इफेक्ट है, खासतौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखिए इस दवा को और कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। ये तो आपका हो गया श्वसन संस्थान की बीमारियां, इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो स्किन से रिलेटेड है, जैसे शीत पित्त। शीत पित्त जिसको बोलते हैं अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया में भी एसिनोफिल काउंट, एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट इसमें बढ़ जाता है, एईसी इसमें जांच कराते हैं, तो उस केस में भी बहुत अच्छा लाभदायक है ये शीर्षाधिक्वात। इसके साथ अन्य दवाइयां भी आपको चलानी पड़ेंगी, लेकिन ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चलाना पड़ेगा अर्टिकेरिया के केस में। तो अर्टिकेरिया के केस में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये काफी लाभदायक है। ये एक्चुअली में एलर्जी को दूर करती है, जिस कारण से अर्टिकेरिया में ये अत्यंत लाभदायक होती है। ठीक है, तो एंटी एलर्जी के वही एक्शन सीरीज का, मुलेठी का और वासा का, इन तीनों का जो एंटी एलर्जी के एक्शन होता है, इसके कारण ये अच्छा, क्योंकि वासा तिक्त रस प्रधान है तो ये रक्त शोधक प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर। ठीक है, तो रक्त शोधक प्रॉपर्टी होने के कारण भी इसको शीत पित्त या अर्टिकेरिया में इसको प्रयोग करते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर एलर्जिक डर्मेटाइटिस अगर हो रही हो, बार बार एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो रही है, तो वहां भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा अगर एलर्जी, क्योंकि ये एलर्जी को दूर करेगी, एलर्जी को दूर करने से भी काफी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक आपका जो स्किन की डिजीज जो है उसमें, अर्टिकेरिया में, इसमें बड़ा अच्छा कार्य करती है। अब देखिए इस दवा का एक जगह और रोल है बहुत बढ़िया। एक तो बताया आपको शीर्षाधिक्वात का, श्वसन संस्थान की कई बीमारियों में एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक ब्रांकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा, अर्टिकेरिया, और इसके अलावा आपको बताया गया कि इस बीमार इसका जो प्रयोग है हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस में भी प्रयोग करते हैं। अब सातवीं जो इम्पोर्टेंट जो बीमारी है उसका नाम भी आप ध्यान रखिए, ज्वर में भी लाभदायक है ये। इसके अलावा इसका प्रयोग आप एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो आंखों में जो एलर्जी के कारण जो लालिमा जो आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है, उसमें भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इसको बोलते हैं, बार बार इचिंग होना आंखों में, कंजक्टाइवा में बार बार इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो उसमें भी अत्यंत लाभदायक है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लगभग 7 केसेस ऐसे हैं, 7-8 के 8 केसेस जहां आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अनुसार, इसके अलावा जहां भी कहीं आपको लगता हो कि एलर्जी की कंडीशन है, वहां आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, काफी अच्छा ये लाभदायक है, क्योंकि सीरीज इसमें मिला हुआ है, मुलेठी मिली हुई है, तो ये कफ को एक्चुअली क्या है, कफ को ये शमन करेगी प्रमुख रूप से, और कफ के साथ साथ थोड़ा सा पित्त का भी शमन करती है क्योंकि इसमें मुलेठी हुई है, और वात का मतलब त्रिदोष को, त्रिदोष शामक प्रॉपर्टी कंप्लीट रूप से अगर देखा जाए तो शीर्षाधिक्वात का प्रमुख रूप से मेनली कफ नाशक, उसके बाद थोड़ा सा पित्त शामक और थोड़ा सा वात शामक, तो तीनों मिला करके ये त्रिदोष शामक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण आप इसको कई बीमारियों में, अन्य जो भी एलर्जिक जो डिसऑर्डर है वहां आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज लगभग जुड़े हुए हैं, लगभग देखिए हमारे साथ इस समय 350 करीब लोग जुड़े हुए हैं, और
जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों से, देखिए कई लोगों के प्रश्न भी इसमें आ रहे हैं, तो जिनके भी प्रश्न हैं उनका सबका जवाब जो है उसमें दे दिया जाएगा, क्या जो जो भी प्रश्न है लोगों के उन प्रश्नों का जवाब उनके साथ दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस दवा को आप प्रयोग कर सकते हैं, शीर्षादि क्वाथ का, ये अत्यंत ही उपयोगी दवा है, काफी इफेक्टिव है और इसका लाभ आप सभी लोगों पा सकते हैं। जिस हिसाब से अभी मौसम चल रहा है, विंटर का सीजन है, विंटर का सीजन जो जिसको कि हम लोग शिशिर ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इसके बाद बसंत ऋतु, इन तीन, ये तीनों मौसम में लगभग 6 महीने का ये मौसम होता है, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये लगभग 4 से 6 महीने का होता है। नॉर्थ इंडिया में लगभग 6 महीने का और साउथ इंडिया में लगभग ये 4 महीने का मौसम होता है, तो इसमें ये अत्यंत लाभदायक है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस समय एलर्जी केसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं और ज्वरनाशक भी प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल भी एक्शन है इसका, इस दवा का, तो इस दवा को आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो भी वायरल डिजीज हो, चेस्ट से रिलेटेड, उसमें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दवा रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन की समस्या और इसके अलावा नेत्र की जो समस्या आपको होता है, इस सब में कार्य करती है बहुत अच्छे से, ठीक है। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आज के इस व्याख्यान को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप लोग शेयर कीजिए, फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे और जगह भी आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जितने लोगों के भी प्रश्न आएंगे उन सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, और जो भी क्वेरी होगी दवाइयों संदर्भ में, वो सारी क्वेरी जो है आपके जो जहां आप लोग लिखते हैं वहां उसकी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज का सत्र व्याख्यान हम लोग अभी समाप्त करते हैं अभी, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, ठीक है। आज का सत्र हम लोग समाप्त कर रहे हैं।